If I was just another dusty record on the shelf, would you blow? It's like 5 a.m. in the morning and I slept at 3:30 and अब मैं उठी हूँ. बिल्कुल हिम्मत नहीं थी गाइस मेरे में उठने की, पर मैं उठी क्योंकि आज है मेरा एग्ज़ाम. हमारे फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सो मेरा आज एग्ज़ाम है. एंड जो सेंटर है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो मुझे एक तो ढाई दो घंटा पहले तो निकलना ही पड़ता है अपने घर से, दो ढाई घंटा पहले तब जाके मैं अपने सेंटर पहुंच पाती हूँ जो बहुत दूर है. बट अभी मैं उठी हूँ 5 बजे. अभी मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूँगी थोड़ी देर, 5:30 बजे तक एंड ऑल, फिर मैं नहाऊँगी एंड फिर मुझे निकलना होगा अपने सेंटर के लिए. अप्रॉक्स 6:30 तक मैं निकल जाती हूँ. सो दिखाती हूँ मैं आपको वो सब. सो आई विल मीट यू अभी थोड़ा सा पढ़ के. ओके बाय गाइस. जस्ट हैड अ क्विक लाइक रिविजन सेशन और अब मैं चाय पी रही हूँ. एंड चाय पीने के बाद बस मैंने गीज़र ऑन कर दिया है एंड मैं जल्दी से नहाऊँगी, तैयार होंगी एंड आई विल लीव फॉर माई एग्ज़ाम का सेंटर. सो बेसिकली हमारा जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं IIT यूनिवर्सिटी के, तो जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इंटर कॉलेज में नहीं होते हैं जैसे DU या और कहीं होते हैं. हमारे यहाँ पे अलग से सेंटर पड़ता है एंड दिस टाइम मेरा जो सेंटर है वो है नांगलोई. एक जगह है दिल्ली में, तो मेरे को नांगलोई ही जाना है जो मेरे घर से काफ़ी दूर है. एंड मेरे को आई गेस 3 मेट्रो चेंज करनी है, उसके लिए मैंने पूरा रूट चेक करा है. सो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए, बट लेट्स सी. मुझे ये हो रहा है कि मैं कहीं एग्जाम सेंटर तक पहुंचते पहुंचते ही ड्रेन्ड ना हो जाऊं और बस सब कुछ मतलब सारा वैनिश ना हो जाए मेरे दिमाग से, बट लेट्स सी क्या होता है. एंड हाँ, मुझे अपना एडमिट कार्ड भी डालना है. 2-3 चीज़ें बहुत मैंडेटरी है, एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी. सो लेट्स गो एंड चाय पीते हैं एंड बस जल्दी से नहाते हैं एंड रेडी होते हैं एंड आई विल मीट यू वंस आई एम एट द मेट्रो स्टेशन. गाइस तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं और सब पढ़ रहे हैं. आज लॉ वालों का भी पेपर है, IIT में ही है इनका भी, तो ये पढ़ रहे हैं. मेट्रो स्टेशन पहुंच चुकी हूँ, कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से नांगलोई की वो जाएगी ट्रेन. तो अभी मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही हूँ, वो बस आने वाले 5-10 मिनट में. अभी हम मेट्रो में हैं एंड ऋषि फर्मा और ये लोग पढ़ रहे हैं. वैसे पढ़ना तो मुझे भी चाहिए पर अब मैंने गिव अप ही कर दिया क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता. कंटिन्यू गाइस ये लड़की हर रोज सेम हुडी पहनती है. ये पढ़ती नहीं है गाइस, ये सिर्फ फर्रे बनाती है. देखो अभी वही कर रही है. सो हम नांगलोई पहुंच चुके हैं एंड अब हम जो है ई रिक्शा में ले लिए. ई रिक्शा से भैया कह रहे हैं 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है, बड़ा अंदर है कॉलेज. सो जो भी अब हमने ई रिक्शा लिया है और बड़ा अजीब सा रास्ता, बड़ा गंदा सा, बट लेट्स सी कितना अंदर तक है कॉलेज और कैसा सा रास्ता होगा. हम कल को अपने बच्चों को बोलेंगे कि हम नाले के लॉक क्रॉस कर करके पेपर देने जाते थे. हाय, बहुत खुशी है मेरे को. तो गाइस आज हम ई रिक्शा में अपना सेकंड सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए और हमें कुछ नहीं आता. सेकंड एग्जाम और फर्स्ट सेमेस्टर मैं दे रही हूं. हम ट्रेन की पटरियां क्रॉस करके जान जोखिम में डाल के हम अपना पेपर देने जा रहे हैं. हमारे साथ कुछ भी हो सकता है इस बीच में. हाँ तो गाइस महाराजा अग्रसेन हमारी टीचर हमको उसका जोखिम क्या जो ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी
अच्छा रास्ता आने वाला है आपको हर दो मिनट में कूड़े कूड़ेदान होगा और हर दो मिनट में कूड़ेदान भी दिखेंगे आपको और मुर्गियाँ भी सरकारी फिर इधर देख लो मुर्गियाँ भी है यहाँ पे तो गाइस हम किसी गाँव में है भाई हमारी जो रिक्शा है वो अटक गई है किसी गली के बीच में तो अब इसको चलवाते हैं। चल ओके गाइस हम उतर जाते हैं धक्का मारे क्या एक और बार हमें उतरना पड़ रहा है हमारी रिक्शा अटक गई है उधर तो ये चलो भाई ओके गाइस ड्यू टू ट्रैफिक अब हमें पैदल जाना पड़ रहा है इतनी छोटी गली है गाइस यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक लग जाता है बट चलो कोई नहीं अभी तो हमारा सेंटर बस 5-6 मिनट दूर है हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा सो गाइस दिस इज द सेंटर प्रदीप मेमोरियल और आप देख सकते हैं कैसा बस भाई कैसे खुड़ में आई है गाइस तो आज हमारा पेपर है और हमें कुछ नहीं आता लिटरली ठीक है म्यूट कर दे साइड आप रिएक्शन कैसी है हेलो मेरे ब्लॉग को हाय बोलो कृष्णा खुराना आज बहुत अरे रुद्राक्ष रो हाय टू ब्लॉग बोल हाय टू ब्लॉग ब्लॉग बना रही हूँ तो आज हमारे साथ है रुद्राक्ष द मोस्ट फेमस फीचरिंग ऑन यूट्यूब चैनल बोल कुछ तो बोल हेलो गाइस हाउ आर यू फॉलो क्रिप्स एंड पेपर नहीं लाया गया क्या टाइम हो गया देखो 10 सुपरस्टार की तरह रोने लग जा मम्मी चपाती लाना मम्मी पे ये है हमारा सेंटर जहाँ पे हमारा पेपर हो रहा है प्रदीप मेमोरियल और अब पेपर खत्म हो चुका है तो मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ सो दिस इज द सेंटर गाइस ये है वो क्लासरूम जिसमें हमने पेपर दिया था आज इसी क्लासरूम में हमने पेपर दिया था और बहुत ही अनकंफर्टेबल सीट्स थी बट ठीक है और ऐसे ऐसे करके और आरुषि कैसा गया आपका पेपर बहुत गंदा वो तो जाना ही था सबका ही है सेम गया यस ओके गाइस हमने अपना पेपर दे दिया गाइस ये पेपर का था वेलकम बैक नो दिस इज नॉट द हाय गाइस तो आज ना हम हैं ग्रीनवे तो ब्लॉग खत्म नहीं हो रहा बाय सी यू यार छोड़ यार अपने कॉलेज के सामने तो यूट्यूब चैनल तो मेरा है ना प्रमोशन चाहिए हेलो गाइस यार कितनी बढ़िया लग रही दिखाई थी गोरी वाली इंस्टाग्राम पे वो तो वो थी नहीं मुझे तो दूसरी बंदी आके कह रही है कि तेरे क्लास और हमारे पास दो बाइक थी तो दो बाइक में दो दो लोग गए और
सांस्कृतिक भावनाओं में बहते हुए पढ़े लिखे कंपनी में काम करता था, आज वो लॉकडाउन के चक्कर में 10,000 का ई रिक्शा चला तो अभी ना गाइस मैं टेक ओवर कर लेती थोड़ा सा। और मेरे बाल यार, मैंने अपने बाल रंग दिए। सो गाइस आज हमने अपना ग्राफिक क्या बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का एग्जाम दिया और हमें कुछ नहीं आता था, और हमने ये एग्जाम देके अब हम आए हैं क्या खाने, अमृतसरी कुलचा नान व्हाटएवर जो भी खाने। तू ही आएगी सबसे पहले, तो तूने टेक ओवर किया था हम लोग। गाइस यहाँ पे है ये तीन क्या नाम है कार्तिक क्रिश। ओके गाइस, तो रायता आ चुका है, सब्जियां आ रही है एंड ये खा रहा है। इसमें दाल छोले डाल दो, इसमें दाल राजमा डाल दो। पनीर नहीं है? पनीर नहीं। गाइस इनको पनीर खाना है। इसमें क्या नहीं है? भैया बताना क्या क्या डाल रहे हो? राजमा। ओके गाइस, बहुत भूख लग रही है, बस भैया जल्दी से डाले ये सब तो फिर हम खाना पीना शुरू करें। हेयर इज द अमृतसरी कुलचा एंड नान गाइस। ले ली स्नैप। स्नैप लो भाई, जल्दी लो, जल्दी ले स्नैप, ले जल्दी लेना यार। दो फूड ब्लॉगर कार्तिक मेहरा। चलो ओके गाइस, पेट पूजा हो चुकी है, बस अब हम घर के लिए निकलेंगे। अच्छा और उससे ले ले भाई, भाई मारा तो भाई साथ। भैया ये गाड़ी में देख लो कितना खर्चा आएगा। अच्छा। क्या हुआ बता तो सही। भैया ये तो लटक गया। ओ अच्छा, ये लटक गया गाइस, और अब कार्तिक मैकेनिक इसे ठीक कर रहा है। अच्छा। नहीं भाई ये मुश्किल होगा, मुश्किल होगा, ये नहीं साले वो स्क्रू निकल गया। टूटा तो ना कुछ ना, टूटा तो क्या ही है बच्चा, क्या तू भाई मुश्किल है ये तो, ये ना हो भाई भाई। मैकेनिक नंबर 2 भी आ चुका है। फेविक्विक लगेगी भाई इसमें तो। फेविक्विक। एंड हम है अपने कॉलेज के बाहर, ग्रीन बेल्ट पे हैं हम। तो आज बुरी हालत, बुरी डेट, बुरी 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 बुरी। ओके गाइस, तो आज हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं और हम जा रहे हैं मजनू का टीला। यहाँ पे भी है, I have, क्या बोलते हैं, देसी अंडा। अरे यार तुम हिंदी बोल रहे हो यार, क्या हो गया। यहाँ पर है कृष्णा आरुषि, कृष क्या नाम है। एंड अब हम जा रहे हैं मजनू का टीला। Yeah guys, so this was an exam week in my life, the first semester exams for as a journalism student जो हमने दिए। एंड गाइज जो था क्लिप्स थी वो बहुत सारी बिट्स एंड पीसेस में थी, जिनको कम्बाइन करके एक अच्छा ब्लॉग टर्न आउट हो ही गया था आई होप फुल। हमारा सेंटर था वो था प्रदीप मेमोरियल नांगलोई, एंड वहाँ पे जाने में द सेंटर इतना खुड़ में था अंदर जाके, इवन फ्रॉम द नांगलोई मेट्रो स्टेशन कम से कम 25 मिनट तो लग जाते थे रिक्शा से जाने के लिए, क्योंकि इतने खड्डे होते थे रास्ते में, इतना गंदा रास्ता था, इतना गंदा रूट था, एंड मतलब इतना इरिटेटिंग रास्ता। एंड ये सेंटर सिर्फ हमारे कॉलेज का नहीं पड़ा था, बहुत सारे कॉलेज लाइक विप्स, टेक्निया, ट्रिनिटी, आई इवन गॉट टू मीट अ लॉट ऑफ माई ट्रिनिटी के दोस्त, तो सबका सेंटर ये पड़ा था। एंड जितने लोग आते थे सब लोग परेशान हो रहे थे, तो मेरी पहली बात तो कभी यहाँ पे गाड़ी तो लिख के आना मत, और टू व्हीलर्स बेस्ट होती है जो आ सकते हैं पास से, टू व्हीलर्स तो उनके लिए बहुत बेस्ट था। पर जो भी था हमारा सेंटर काफ़ी खुड़ में था, एंड हमने एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स वेंट वेल। एंड उसके अलावा जो मेरा लास्ट एग्जाम था कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो था CI, उसकी एग्जाम देने के बाद वी ऑल वेंट टू मजनू का टीला, मी एंड माई फ्रेंड्स, एंड वहाँ का एक सेपरेट व्लॉग आएगा, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैं
उसको उसकी क्लिप्स यहाँ पे अटैच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कर देती तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती जो मैं चाहती नहीं थी. सो उसका एक सेपरेट व्लॉग इज कमिंग वेरी वेरी सून, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, फॉर व्हाट ऑल वी डिड इन मजनू का टीला. सो दिस वॉज ऑल एज एन एग्जाम व्लॉग, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स डन, एंड दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो. बाय, थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग. Bye and subscribe for more.